हमारे भैया ने वीडियो देख के पंजाब से लुधियाना से आए थे काम करवाने के लिए, तो जिस हिसाब से इनके फ़ोन पे बात हुआ तो उस हिसाब से उन्होंने काम करके दिए। मैं सोच के आया तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर मिला मुझे मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा भी मिल पाएगा। इन्होंने जो काम किया चंदू भाई ने बहुत अच्छा किया है काम। नहीं, जो मैं ऑडिशन का सेटअप करता था, बर्थ है वर्थ, ऑडिशन में पूरा भी। बर्थ है, एक एक पूरा बर्थ है ये। सो गाइज, ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो कि नई वीडियो आज हमारे पास आई है महिंद्रा 3XO। इसके अंदर ऑडियो अपग्रेड करना है। जो गाड़ी आई है बहुत दूर से पंजाब लुधियाना से आई है, जो ऑडियो सेटअप कर रहे हैं, हमारे काफ़ी वीडियो देखा है इन्होंने। जो ये देख के तो 3 वे आए थे हमारे भैया, कि इनको साउंड क्वालिटी 3 वे का समझ आया था, लेकिन ये थोड़ा सा कह रहे थे भैया कम बजट में करना है, तो हम फ्रंट 2 वे लगा रहे हैं, रियर कोएक्सियल स्पीकर लगा रहे हैं, एक एक्टिव वूफर लगा रहे हैं, एक DSP लगा रहे हैं, और इसके जो ऑल ओवर वायरिंग है सारा हम OFC कर रहे हैं, जिसमें कभी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सबसे स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट कंपोनेंट से। जो हमारा फ्रंट कंपोनेंट रहने वाला है वो चेस सीरीज का ABK6, जो काफ़ी पावरफुल कंपोनेंट है ये। अगर बात करें तो सारे 6 इंच के सब वूफर है, अगर क्वालिटी नॉर्मल जिसको बेस चाहिए और वोकल्स चाहिए तो आप लोग इसके कंपोनेंट में काफ़ी मतलब बेझिझक करके मतलब लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसके साथ हम कोएक्सियल स्पीकर लगा रहे हैं, कोएक्सियल हमारे रहने वाला है APKX 6.5। ये सारे 6 इंच के हम कोएक्सियल स्पीकर लगा रहे हैं जो बेसिक है, और कल को हम सेम कंपोनेंट ही पीछे लगाएंगे। तभी हम इस हिसाब से प्लान बनाए हैं कि फ्रंट कंपोनेंट अच्छे लगा लें, और कुछ दिन रुक के हम जब अच्छा बजट हो के फिर हम इसके पीछे 2 वे करके आगे हम 3 वे करेंगे। तो और जो इसके साथ हमने 4 चैनल एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ये भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये हमारा ऑडिशन का रहने वाला है, जो है इसका मॉडल नंबर SR4300। ये आपका 4 चैनल एम्पलीफायर रहता है। और जो इसके साथ मैं DSP लगा रहा हूँ, ये थोड़ा कम रेंज का DSP है, नाकामिची। जो आप हेलो कन्वर्टर लगाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर अच्छे आप लोग को मतलब बजट अच्छे हैं तो आप लोग ऑडिशन का बिटन लगा सकते हैं, तो उससे भी आउटपुट काफ़ी फ़र्क आता है। और जो जैसे जो हमारा भैया है, इनको डिक्की खाली चाहिए था, तो हमने इनको बूफर के काफ़ी बॉक्स दिखाया पोर्टेड सील, तो उनको समझ नहीं आया। लेकिन जब हम बूफर दिखाया ऑडिशन का, किसी गाड़ी में उन्हें फिटिंग कर चुके थे, तो इनको देखते ही मज़ा आ गया कि भैया बूफर लगाना है। मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ जो सब बूफर रहते हैं। ये जो सब बूफर है एक्टिव बूफर है। एक्टिव बूफर में क्या होता है कि बिद एम्पलीफायर है, कि हमें अलग से एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो सब बूफर में ना प्लेग एंड प्ले है, कि कल को आपको एक तो डिक्की मर्ज नहीं करता, अगर कल को आपको बूफर निकालना तो आप लोग आराम से बूफर भी निकाल सकते हैं। जो मैं आप लोग को गाड़ी में दिखाऊंगा, आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए, कि मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि बूफर कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं और किस हिसाब से रखे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बूफर का मॉडल नंबर बताता हूँ। जो सब बूफर का मॉडल नंबर है ये ऑडिशन का है APKBX10AS2। इसका मॉडल नंबर है, ये आप लोग को देख रहे होंगे 800 वाट के हैं, 400 RMS है। अगर बात करें जिस हिसाब से बॉक्स की साइज है, सील्ड पेटी है, और जो ये बेस की क्वालिटी है ये किसी भी हमें ब्रांड में नहीं मिलता जो इसमें मिल रहा है। फॉर्चुनर जैसे गाड़ी, हाईक्रॉस जैसे गाड़ी, इंडेवर जैसे गाड़ी, उनमें काफ़ी गाड़ी बड़ी है तो उस तक में ही कमी महसूस नहीं होता। मैं आप लोगों को काफ़ी फॉर्चुनर का वीडियो में दिखा रखा हूँ कि मैंने सब ऊपर डाल रखा है, तो जो इसकी बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो लाउडनेस भी है, बेस की कमी महसूस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को जो इसकी फिटिंग भी है वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं गाड़ी में। जैसे एम्पलीफायर की फिटिंग करी है, स्पीकर करी है, डैम्पिंग पहले हो रखी है इनकी, जो वायरिंग की क्वालिटी है और जो सबवूफर की है, तो चलते हैं गाड़ी में आप लोगों को दिखाते हैं। तो आ चुके हम गाड़ी के पास। तो मैं सबसे पहले आप लोग को इसका जो सबवूफर है वो दिखाता हूँ। जो सबवूफर की आप लोग इसकी फिटिंग चेक कर सकते हैं कि मतलब कितनी अच्छी फिटिंग है, कि कितना कम जगह लेते लेते हुए हमें आउटपुट काफ़ी अच्छी मिलती है। जो 400 RMS की सबवूफर है, और इसकी जो जो कस्टमाइज डिजाइन है सबवूफर का बॉक्स का, काफ़ी मतलब छोटा है, लेकिन बूफर की क्वालिटी की बात करें जो बेस है बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है, कि ये जो सबवूफर का 4 स्टैंड है वो वेलक्रो लगा हुआ है। तो वेलक्रो लगा हुआ इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें जो स्टेपनी कवर है इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कि आपका सबवूफर इधर उधर नहीं होता है। और जो मैं आप सबसे पहले सबवूफर आप लोग को वायरिंग चेक कर सकते हैं, जो सबवूफर की वायरिंग को पूरी स्लिप चढ़ा के हमने हीट सिंक करी है, कि किसी तरह से किसी वायरिंग में कोई दिक्कत ना आए। और कल को आपको सबवूफर निकालना है तो मैं सबवूफर की निकालने की जगह दिखाता हूँ। अगर आपको वूफर निकालना हो तो
आराम से आप सबवूफर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये प्लग निकाल लेना है जो आप लोगों को दिख रहे हो, उसके बाद अर्थ लीड निकाल लिए, फिर बेस रोम निकाल लिए। ये आराम से आप वूफर निकाल के घर भी या जहाँ रखना हो वहाँ रख लिए। अगर दोबारा लगाना है तो सबवूफर लेके आ गए हम, ये हमारा प्लग लग गया, ये आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल। ये हमने आर्ट्स लीड लगा दी और ये आपका बेस कंट्रोलर लग गया बिल्कुल। कुछ नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट की टेंशन नहीं है, कुछ माइनस प्लस की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उसी हिसाब से बना हुआ है कि आप प्लग एंड प्ले आराम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको सबवूफर की खास चीज दिखा दी है। और जो बेस की क्वालिटी की बात करें, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब आप कोई भी सेटअप करते हैं, एसक्यू अच्छे सेटअप करते हैं उसके साथ आप लोग चला सकते हैं इसकी, जो काफी प्रीमियम वूफर है। अब मैं चलता हूँ, सब आप लोग को एम्पलीफायर की फिटिंग दिखाता हूँ। तो आ चुके हैं एम्पलीफायर और डीएसपी के पास, तो मैं आप लोग को दोनों की फिटिंग चेक कराता हूँ। जो एम्पलीफायर का रेक बनाया बहुत अच्छी बनाया हमने, जो इसकी डिजाइनिंग है, जो वायरिंग की है, स्पीकर वायर पावर केबल, एक एक अपने जहाँ से जिसकी जो चीज़ चाहिए अलग अलग सारे वायर है। इससे क्या होता है कि किसी तरह से आपके हमिंग की आवाज़, अर्थिंग की आवाज़, इंडिकेटर की आवाज़ नहीं आती है। और एम्पलीफायर जो बोर्ड पे लगाते हैं, बोर्ड पे रैक बना के, इस पे क्या होता है एम्पलीफायर हीट नहीं होता है। तो आप लोग इसकी काम की फिनिशिंग चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पीछे लोग बैठते हैं उसके पैरों में एम्पलीफायर नहीं आते, काफ़ी फिटिंग हमें अच्छी मिलती है। और आप लोगों को मैं जो फ्रंट की कंपोनेंट है वो भी दिखाता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। फ्रंट का मिड बेस, ये आप लोगों को दिख रहे हैं क्रॉसओवर, जो हमने क्रॉसओवर फिट कर दिए, तो काफ़ी इसकी भी अच्छी फिटिंग आई है। और अगर बात करें इसके, हम जो क्रॉसओवर की फिटिंग करी है, ये नहीं कि किसी गड्ढे में गए तो आवाज़ आ रही नहीं, जो बिल्कुल अच्छे से हमने फिक्स करें। जो स्पीकर है, जो टूटर है, टूटर में आप लोगों को दिखाऊंगा, जो स्टॉक जगह वहीं लगाएं। और रियर डोर के स्पीकर दिखाता हूँ, ये हम रियर डोर पे आ चुके हैं। जो रियर डोर है हमारे क्वैक्सियल स्पीकर है, जो क्वैक्सियल स्पीकर होता है वो बीट टूटर होता है, ये इनबिल्ट टूटर है। और जो कंपोनेंट होता है उसमें क्रॉसओवर साथ आते हैं और टूटर अलग से आते हैं। और जो स्टॉक टूटर लगाए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डोर्स पे जगह, ये आ चुके हैं हम गाड़ी डोर्स पे, इस पे हमने टूटर बिल्कुल जो स्टॉक जगह वहाँ बिल्कुल स्टॉक लोकेशन पर लगा दिया कि आपको बाहर से नहीं दिखेगा। और जो साउंड क्वालिटी भी है काफ़ी अच्छी है, कि जो टूटर के इसके जो जगह काफ़ी अच्छी है, इसमें एंगल मोड़ नहीं किया, इसलिए मैं स्टॉक जगह कर दी। जो हमारी गाड़ी वाला भैया है उनको टूटर दिखाना नहीं था। अब बाकी आप लोग को मैं पूरी गाड़ी पैक करके फिर साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। तो सो गाइस, पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं, जो आप लोग को अभी फायर का फिटिंग दिखा भी दिया था मैंने। और जो इसका साउंड क्वालिटी है, सबसे पहले मैं आप लोग को साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। साउंड क्वालिटी पता पड़ गया होगा, वोकल मतलब एक एक बिट क्लियर आ रही है। जो सब वूफर की है, जो सामने वाला मिरर है काफ़ी मतलब ये भी रिमूव हो रहा है, इतनी बेस अच्छी आ रही। तो आप लोग को काफ़ी मतलब साउंड क्वालिटी मज़ा आ गया। अब जो हमारे गाड़ी वाला भैया को भी सुनाया, काफ़ी मज़ा आया। तो अंदर चलते हैं, आपको हम भैया से फीडबैक। तो आप लोग को मैंने साउंड क्वालिटी सुना दिया, हमारे भैया ने वीडियो देख के पंजाब से लुधियाना से आए थे काम करवाने के लिए, तो जिस हिसाब से इनके फ़ोन पे बात हुआ तो उस हिसाब से उन्होंने काम करके दिए। अगर बात करें जो आप लोगों को सामान दिखाया है, कंपोनेंट, एक्टिव वूफर, जिस हिसाब से आप लोगों को मैं क्वालिटी बताता हूँ उसी हिसाब से क्वालिटी है। बाकी हमारे भैया भी साथ में बैठे हैं, तो भैया बताइए जिस हिसाब से आपको क्वालिटी, जिस हिसाब से हमारे बात हुआ है, साउंड क्वालिटी कैसे लगा आप लोग? जिस हिसाब से मैं सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर मुझे मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा भी मिल पाएगा। इन्होंने जो काम किया चंदू भाई ने, बहुत अच्छा किया है काम। नहीं, जो मैं ऑडिशन का सेटअप करता था, बर्थ है पूरा, बर्थ है एक पूरा बर्थ है।
और सबसे अच्छी चीज़ ऑडिशन में ये है कि जैसे आपने आज काम करवाए, अगर ये हो गया 4 साल 5 साल मैं कह रहा हूँ अगर 3 गाड़ी चेंज करवा लोगे तो आपका ऑडियो काम आता रहेगा। हाँ। आपकी मर्जी है अपग्रेड की, लेकिन ये नहीं कोई टूटर फुकड़ा है, क्रॉसओवर फुकड़ा है, स्पीकर ख़राब हो रहा है। तो ऑडिशन के अंदर यही चीज़ है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होता, एक बार लगा लिए, अगर सही से आप ट्यूनिंग करवा लिए और सही से फिटिंग करवा लिए तो आपको कभी परेशानी नहीं आती। अभी जैसे भैया आप पंजाब से आए हैं तो अगर कुछ दिक्कतें आ जाए तो यहाँ आने में बहुत दिक्कत वाली बात है, इसीलिए जो वायरिंग भी है 100% कॉपर की करते हैं, OFC करते हैं, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को कि मतलब कि 4 साल 5 साल अगर 6 साल भी गाड़ी रखते हैं 10 साल भी रखते हैं तो वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कंपनी वायरिंग देती है OFC, जो जितनी भी गाड़ी की है सारा OFC वायरिंग होता है, तो कभी कंपनी वायरिंग में दिक्कत नहीं आती है। उसी हिसाब से मैं सिस्टम के देता हूँ आप लोग को, हर वीडियो में फ्यूज दिखाता हूँ, तो आप लोग कहीं से भी काम करवाते हैं तो फ्यूज जरूर लगाना। इससे क्या होता है कभी एम्पलीफायर खराब हो जाए, वूफर खराब हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, तो सबसे पहले कोई शॉर्ट सर्किट होता है फ्यूज उड़ जाता है। इसमें क्या है, खुद का जान का भी सेफ है और गाड़ी का भी कभी नुकसान नहीं है। तो सबसे जो तरीके वाली काम है भैया, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड वायरिंग, कि वायरिंग करने का तरीका, कहाँ फ्यूज होना चाहिए, कहाँ से तार डालनी चाहिए, तो इंपोर्टेड चीज़ में वायरिंग मानता हूँ। और वायरिंग हमेशा सिस्टम आप दो थोड़ा सस्ता करवा लो, लेकिन वायरिंग पर अच्छे पैसे खर्च करो कि कल को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो भैया आप बताओ, बिल्कुल सेटिस्फाई हो? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई, इतने सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मैंने से। तो आप लोग को इस तरह वीडियो में दिखाता रहूँगा जो सेटअप है, क्योंकि मेरा मेन काम ऑडियो का ही है। तो आप लोग कोई भी अगर ऑडियो करवाते कभी परेशान नहीं होगे, तो हम वीडियो के यहीं एंड करेंगे। जो मेरा दुकान है, अगर इस तरह काम करवाना है तो आना कहें ड्रीम ऑडियो, जो नियर रमेश नगर मेट्रो है, मोतीनगर मेट्रो है, ऑपोजिट पिलर नंबर 343 के सामने है। अगर आप लोगों को काम की क्वालिटी चेक करना तो इंस्टाग्राम ID भी है ड्रीम ऑडियो 0207, आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यही वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।